धन्यवाद माननीय धनंजय जी। मिस कविता पाटीदार। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। इस विधेयक पर आपने मुझे अपने वक्तव्य रखने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं सदी के राष्ट्रनायक इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी को इस संशोधन विधेयक के लिए बधाई प्रेषित करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि कला हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। हम ये भी मानते हैं कि परिवर्तन इस सृष्टि का एक नियम है। सिनेमा जगत में भी, उसके माध्यम में, साधन में, उसे सहबद्ध औद्योगिकी में, दर्शकों में समय के साथ परिवर्तन आया है। इसलिए प्रमाणन प्रणाली में भी उसका परिवर्तन होना आवश्यक है, जो इसे समकालीन होने के तरफ आगे बढ़ाता है। हम सब जानते हैं कि यह संशोधन विधेयक समय के अनुकूल प्रमाणन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने और समग्र रूप से फिल्म चोरी पर रोक लगाने और इस क्षेत्र में नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है। माननीय सभापति महोदय, चलचित्र मनुष्य की एक अद्भुत उपलब्धि है। हम जानते हैं कि मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का सजीव चित्रांकन इसके माध्यम से होता है। भावों की अभिव्यक्ति का एक ही मजबूत आधार है और मुझे खुशी है कि सदन में इस क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे साथी सदस्य भी मौजूद हैं। मैं उनकी कला को प्रणाम करती हूं और मैं मानती हूं कि वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि नई डिजिटल प्रौद्योगिकी के आगमन से और जो थिएटर में जाने वाले लोगों की संख्या की कमी के कारण इंटरनेट या सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्मों की चोरी के कारण फिल्म जगत को बहुत नुकसान हुआ है। इस संशोधन के द्वारा फिल्म पायरेसी के खतरे को व्यापक रूप से अंकुश लगाने और सिनेमा जगत के सृजनात्मक उद्योग की सुरक्षा करने के प्राथमिक उद्देश्य से लाया गया है, जिसमें उल्लंघन पर कठोर सजा का भी प्रावधान है, जो कि 3 माह से लेकर 3 साल तक भी है, और इसमें अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हम सब जानते हैं कि पायरेसी के कारण ऑनलाइन फिल्मों की पायरेसी से OTT प्लेटफॉर्म को 2022 में 24.63 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। एक रिपोर्ट अर्नेस्ट एंड यंग की भी है, जिसके मुताबिक पायरेसी से 2019 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को करीब 18 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं, फाइनेंशियली लॉस ही नहीं, परफॉर्मेंस लॉस, क्रिएटिविटी लॉस, जॉब लॉस भी इसके कारण होते हैं। माननीय महोदय, चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 फिल्म इंडस्ट्री एवं सृजनात्मक उद्योग को न केवल पायरेसी की महामारी से निजात दिलाने का काम करेगा, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के तीव्र विकास में भी मदद करेगा। अभी हमारे एक सदस्य माननीय राधामोहन दास जी ने भी कहा था कि फिल्मों के द्वारा कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें हमारी संस्कृति का गलत चित्रांकन किया गया है, और वैसे भी कहा गया है कि जैसा चित्र होगा वैसा ही चित्र होगा। तो क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, कहाँ दिखाना है और किसको दिखाना है, इस विधेयक के द्वारा इसको भी नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। मैं सरकार की इस पहल का खुले दिल से स्वागत करती हूँ। माननीय महोदय, फिल्म पायरेसी को रोकने के लिए अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन भारत में कानून को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली और फिलीपींस जैसे न्याय क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करेगा। ये हमारे एक लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चर्चाधीन संशोधन विधेयक 2023 में वैसे तो कई प्रशंसनीय प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सबसे स्वागत योग्य कदम प्रमाण पत्र की सतत वैधता का ये प्रस्ताव है, जिसका हम स्वागत करते हैं। हम सब जानते हैं कि नए विधेयक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर फिल्मों और सामग्री के वर्गीकरण में एकरूपता तो लाएगा ही, लेकिन फिल्मों को बढ़ावा देने और इस स्थानीय सामग्री को वैश्विक बनाने में मदद करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिल्म भी हमारे भारत में बनती है, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में मिलती है, और हमारे इस कला को अब विदेशों में भी प्रोत्साहन और पुरस्कार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा सृजनात्मक रही है। उन्होंने विभिन्न कला और कला से जुड़े हुए क्षेत्र के लोगों के हितों को संरक्षित करने का सदा ही प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गर्व एवं सुखद अनुभूति है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, जिसके नेतृत्व में देश जहां विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कई प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति को सुरक्षित किया है, वहीं कला के क्षेत्र में भी उनके हितों को
संरक्षित करते हुए गंभीर संवेदना का परिचय देते हुए इस विधेयक को लाने का काम किया है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय अनुराग जी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कविता जी। माननीय श्री अब्दुल वहाब जी,